रिसेंटली दो बड़ी मूवीज के ट्रेलर आए। पहला तो था सालार का ट्रेलर, जो कि देखने में तो ठीक ठाक था बट वाव वाला फैक्टर मिसिंग था, एंड लिटरली वो ट्रेलर मुझे डिसअपॉइंट कर गया। केजीएफ वाली वाइब तो बिल्कुल भी नहीं आई। एंड दूसरा जो था वो था डंकी का ड्रॉप फोर, यानी कि उसका ट्रेलर, एंड लिटरली इसने भी हमको डिसअपॉइंट करने में कोई कमी नहीं रखी है। ट्रेलर के जो स्टार्टिंग की जो सीक्वेंस है उनको कॉमेडी में प्रेजेंट किया गया, लेकिन कॉमेडी कहीं पर भी लैंड नहीं होती। ना वो इमोशन महसूस होते हैं जो कि वो महसूस करवाना चाहते थे, ना ही डायलॉग्स में दम लगता है। ऊपर से उनकी जो दुनिया है वो भी पूरी बनावटी लगती है। शाहरुख खान ने अपने बोलने के तरीकों में जो बदलाव किया है वो भी इस कैरेक्टर के ऊपर सूट नहीं करते हैं। एंड ऐसा क्यों है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, ये जो डंकी का ट्रेलर है ना, इसको आप जब देखना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस दिखाए जाते हैं जहाँ पर शाहरुख खान का कैरेक्टर हार्डी अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करता है एक एक करके, वो भी कॉमेडी वे में, वो बिल्कुल भी देखने में मजा नहीं आता है। आप किसी मस्ट अवेटेड मूवी का ट्रेलर दे रहे हो और स्टार्टिंग में ही इस तरीके का चुतियापा कर रहे हो तो देखने में कहाँ से मजा आएगा। लिटरली ट्रेलर देखते टाइम मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं यहीं पे बंद कर दूं, नहीं तो मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। लेकिन फिर भी हिम्मत की, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, और मैंने इस ट्रेलर को पूरा देख डाला। एंड आधे के बाद जो ट्रेलर ने मजा दिया वो लिटरली सोचने लायक था। मैंने सोचा नहीं, अगर ट्रेलर को बीच में बंद कर देते तो इस मूवी के लिए नेगेटिव चीजें ही मेरे माइंड में रह जाती, बट ट्रेलर खत्म होते होते पॉजिटिविटी दे जाता है एंड मूवी एक बार थिएटर में जाके देख सकते हैं, इतनी एक्साइटमेंट तो दे ही देता है। अगर ट्रेलर की कहानी की बात करें तो इस मूवी की कहानी पता चल रही है 1995 के पंजाब की, जहाँ पर लालटू नाम का गाँव है और हार्डी नाम का एक बंदा है जो कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है या फिर ज्यादा भी पढ़ा लिखा हो सकता है, एंड उसके चार दोस्त हैं। इन सबको जाना है लंदन। अब ये लोग जाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन भाई साहब इनको इंग्लिश नहीं आती है, एंड शायद इसी वजह से ये लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं कानूनन तरीके से। एंड वो लोग डंकी फ्लाइट नाम के एक इलीगल वे का यूज करते हैं लंदन तक पहुंचने के लिए, जिसमें कुछ परेशानियां आती है और इनमें से शायद किसी की जान भी चली जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो लंदन पहुंचते हैं, लेकिन तब भी कहानी खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। और उसी मिसिंग चीज को पूरा करने के लिए शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है हरदयाल सिंह ढिल्लो, वो 25 साल के बाद वापस लौटता है। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा, यह ट्रेलर देखने पर आपको एक्साइटमेंट कम देता है और आपको डिसअपॉइंट ज्यादा करता है। इसके कई सारे रीजंस हैं। शुरुआत के जो सीन दिखाए गए हैं ट्रेलर में वो काफ़ी ज़्यादा बकवास लगे मुझे। वहाँ पर ना तो इमोशन महसूस होता है, ना कॉमेडी ठीक से की गई है, ना ही डायलॉग्स ढंगे हैं। ऊपर से जो शाहरुख खान के कैरेक्टर के ऊपर आवाज़ सूट नहीं कर दी है, मैंने पहले कहा है, वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे सही में ऐसा लगा कि उनके कैरेक्टर के ऊपर वो वॉइस सूट नहीं कर रही है। एंड ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जितनी भी हमको वॉइस सुनाई दी है ट्रेलर के अंदर, वो शाहरुख खान के 25 साल के बाद वाला कैरेक्टर है, उसकी आवाज है, और शायद इसी वजह से हमें ये फर्क लग रहा हो। देन हमें यहाँ पर जो शाहरुख खान का लुक देखने को मिला है वो हमें कहीं ना कहीं विक्रम राठौड़, जो कि हमें जवान मूवी में देखने को मिला था, उसका भी याद दिला देता है। और शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि यह जो मूवी है वो जीरो वाली वाइब दे रही है, और अब यह ट्रेलर देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तो जीरो वाली वाइब है। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ओवरऑल जो शाहरुख खान का लुक है वो दोनों मूवीज में काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। जो भी हो, मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा। फर्स्ट हाफ तक मैंने जब ट्रेलर देखा मुझे ऐसा लगा कि इसको क्यों देखना है और इस मूवी को आखिर देखने की जरूरत ही क्या है, लेकिन जैसे ही पूरा ट्रेलर खत्म किया मूवी देखने का एक्साइटमेंट आ गया भाई साहब अंदर। अब लग रहा है कि मूवी को एक बार तो देख ही डालेंगे। अगर आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड अगर आप इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हो तो भी कमेंट जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, बिकॉज यू आर सुपर बीएनपी।